नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वजह है नन्हे बजरंगी का दर्शन करना। हर कोई नन्हे बजरंगी की एक झलक पाना चाहता है। नन्हे बजरंगी भी लोगों को निराश नहीं करते, बल्कि उनके सामने आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दरअसल लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर में 1.5 महीने का एक बंदर का बच्चा है, जिसे बड़े मंगल पर उसकी माँ ने यहाँ पर छोड़ दिया था। माँ की मृत्यु हो गई तो वहाँ मौजूद मदारी उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी मंदिर में मौजूद ट्रस्ट के सदस्यों ने देखा और मदारी से इस बच्चे को ले लिया। इसके बाद इस बच्चे को नहलाकर इसी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कराए गए और नाम रखा बजरंगी। आपको जानकर हैरानी होगी, नन्हा बजरंगी पूरे ठाट बाट से इस मंदिर में रहता है। उसके लिए टी शर्ट मंगाई गई है, लंगोट बनाई गई है, डायपर भी पहनते हैं भाई साहब, और ड्राई फ्रूट से लेकर मंदिर में आने वाला प्रसाद भी खाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक तागड़ी ने बताया कि वह इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। मंदिर के सभी सदस्य इसे खूब प्यार करते हैं। भक्तों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। भक्त इनके पास आते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। बजरंगी आशीर्वाद भी देते हैं। बजरंगी के मंदिर के अंदर ही रहते हैं, कभी कभी कार में बैठकर शहर की सैर भी करते हैं। भक्त सलोनी शुक्ला ने बताया कि वह लेटे हुए हनुमान मंदिर में सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहले आती थी, लेकिन अब उनके अंदर उत्सुकता होती है कि बजरंगी के दर्शन भी रोज करें, इसलिए अब इस मंदिर में रोज आती हैं। वहीं आराध्य शुक्ला ने बताया कि उन्हें भी बजरंगी के दर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप भी नन्हे बजरंगी के दर्शन करना चाहते हैं तो लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुँच जाइए, जो पक्का पुल पर बाएं हाथ पर स्थित है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।